नंदलाल मीना कमेटी ने महाराष्ट्र के अंदर परियोजना अधिकारी को 5 लाख रुपए तक की सैंक्शन के पावर है, एडिशनल कमिश्नर को 20 लाख तक के पावर है और कमिश्नर को 50 लाख तक के पावर है। राजस्थान में दोनों को ही 5-5 लाख। उस कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि कमिश्नर को 1 करोड़ तक की पावर दो, कलेक्टर को 25 लाख तक की पावर दो, लेकिन अभी तक उसकी पालना होनी माननीय सभापति महोदय बाकी। हम अगर उस कमेटी ने जो रिपोर्ट राजस्थान गवर्नमेंट को सबमिट की है, हम अगर उस पर गौर करेंगे, नजर डालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा राजस्थान का जनजाति समुदाय कहां पर खड़ा है। माननीय सभापति महोदय, महाराष्ट्र के अंदर आश्रम, हॉस्टल और स्कूल 1108 संख्या है। आबादी हमारी और उनकी लगभग बराबर, ये 5-7 लाख का फर्क होगा। राजस्थान में ये संख्या 372 है। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा फर्क है। और महाराष्ट्र के अंदर 4,50,248 बच्चे इन हॉस्टल स्कूल में रह रहे हैं और हमारे यहां इस साल का फिगर जो हमारी सरकार ने दिया है वो 23,641 है। मतलब महाराष्ट्र की तुलना में 5%। तो आप बताइए कि हमारा जनजाति समुदाय किस मुकाम पर खड़ा हुआ है। और मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये लाल फीताशाही का नतीजा है कि जो उस शिक्षा प्रोत्साहन के लिए छात्राओं के लिए 2020-21 में 70 लाख रुपए का प्रावधान किया था और खर्चा हुआ है मात्र 19.60 लाख रुपए। इसी तरीके से जो आर्थिक सहायता का प्रोविजन किया गया था 2021 में वो किया 68 लाख और खर्चा हुआ है मात्र 21.56 लाख। और राज्य योजना से जनजाति उपयोजना में जो प्रगति है उसका मैं एक आंकड़ा आपके सामने निवेदन कर दूं। सिंचाई में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिए प्रावधान किया 44,635 लाख और माननीय सभापति महोदय खर्चा किया है 16,653। उद्योग और खनिज में 16,938 लाख रुपए का प्रावधान किया और खर्चा किया है 4,977। परिवहन एवं संचार के लिए 79,221.31 लाख का प्रावधान किया और खर्चा किया 27,846 लाख रुपए। और वैज्ञानिक सेवाएं एवं अनुसंधान 15 लाख का प्रावधान किया, खर्चा किया माननीय सभापति महोदय मात्र 6 लाख रुपए। तो ये सब हालात किस कारण से बने हुए हैं कि विभाग का अपना माननीय सभापति महोदय तंत्र बहुत कमजोर है। आप इनके विभाग के अगर पदस्थापित अधिकारियों की सूची देखेंगे, एक्सएन पोस्ट वैकेंट, 4 AEN, 5 AEN, 4 पोस्ट वैकेंट, 1 JEN की पोस्ट वो वैकेंट, 14 प्रशासनिक अधिकारी, 13 की पोस्ट वैकेंट, 7 प्रशासनिक अधिकारी। जब आपका विभागीय तंत्र ही आपके पास पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है तो आप किस आधार पर मॉनिटरिंग करेंगे। अब आप माननीय सभापति महोदय बिखरी जनजाति का फिगर देखे, 2021 का 1,145 लाख का प्रावधान है और खर्चा कितना किया 286 लाख। विशेष केंद्रीय सहायता माड़ा क्षेत्र में 1,255 लाख का प्रावधान है, खर्चा कितना किया 36 लाख। और माड़ा क्लस्टर क्षेत्र 31 लाख का प्रोविजन, एक्सपेंडिचर 0। बिक्री जनजाति योजना क्षेत्र विशेष केंद्रीय सहायता में 1,446 लाख, खर्चा 0। शहरी विकास परियोजना क्षेत्र विशेष केंद्रीय सहायता में प्रोविजन 90 लाख और खर्चा 0। माननीय सभापति महोदय, अगर यही गति रही तो हमारे आदिवासी समुदाय का उत्थान कैसे होगा। और इतना ही नहीं सभापति महोदय,
राज्यपाल महोदय ने खुद ने जब ऑनलाइन मीटिंग की विभाग की तो ये जानकारी सामने आई, कई जगह पर तो ढेला भी खर्च नहीं हुआ। 8 जिलों की उन्होंने समीक्षा की माननीय सभापति महोदय। अब आप और हम दोनों ही आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, जिनके मेरे क्षेत्र में तो कम संख्या है लेकिन जिले में काफी है। आज भी कई इलाके ऐसे हैं माननीय सभापति महोदय, चारपाई पर कोई बीमार पड़ जाए चारपाई पर लेके आना पड़ता है, बरसात ज्यादा आ जाए टायर पर बैठ करके उनको जाना पड़ता है। और कारण क्या, रेवेन्यू विलेज निकले रहे तो आप उस फली तक सड़क नहीं बनाते। अब ये आपको इतना पैसा का प्रोविजन है इसमें, लेकिन डिपार्टमेंट को पैसा जा रहा है सीधा, एसटी का जो डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है सीधा उसको पैसा मिलता नहीं है, सीलिंग लगती है, विभागीय स्तर पर लगती है। इसलिए आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि जिस महाराष्ट्र पैटर्न की सिफारिश नंदलाल मीणा ने कमेटी ने की थी उसको आप राजस्थान में लागू करो, जिससे सीधा पैसा आपके विभाग को प्राप्त हो और आदिवासी समुदाय का उत्थान हो सके। इस मौके पर मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और जनजाति मंत्री का इस बात के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया। माननीय सभापति महोदय, जो एसटी का रिजर्वेशन है, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया है कि वो 50% से ज्यादा आबादी है तो आप वहां पर टीएसपी का लाभ दे रहे, और जो 50% से कम आबादी के टीएसपी के लोग हैं वो गांव है, क्या उस आदिवासी के और जो 50% से ज्यादा आबादी वाले गांव है उन दोनों में कोई फर्क है? लेकिन दोनों को लाभान्वित करने में रात और दिन का अंतर है। जब तक ये निर्णय माननीय सभापति महोदय पुनर्विचार करके सांस्कृतिक आधार पर इसका निर्धारण नहीं होगा, लाखों करोड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय आगे आने से माननीय सभापति महोदय वंचित रहेगा। इस मौके पर मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी आभार प्रकट करना